हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्चुअल यात्रा। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो फाइनल वीडियो होने वाली है उदयपुर की, जिसमें मैं आपको बहुत ही छोटे से टाइम में ये बताने वाली हूँ कि उदयपुर जाने के लिए कितना टाइम चाहिए, आपको कहाँ कहाँ घूमना चाहिए और कितना खर्चा होगा, कहाँ कहाँ कम्यूट करने के लिए कौन कौन से पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही डिटेल इन्फॉर्मेशन होने वाली है उदयपुर के बारे में। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। उदयपुर, जैसे नाम से ही हमें बहुत अच्छी सी वाइब आ जाती है कि उदयपुर सिटी ऑफ लेक्स है, क्योंकि यहाँ पर लेक्स भी मिलेंगे, पहाड़ भी मिलेंगे और बहुत सारे पैलेसेस भी मिलेंगे। तो ओवरऑल बहुत ही सुंदर सिटी है, मुझे तो एकदम बहुत ज़्यादा प्यार हो गया इस सिटी से। इसको हम पहले मेवाड़ किंगडम के नाम से जानते थे, क्योंकि ये मेवाड़ की सिटी कहा ही जाती थी और पूरी हिस्ट्री इसमें मेवाड़ के बारे में ही है, इस सिटी के अंदर जो पैलेसेस हैं। और आज की डेट में ये इंडिया का जो हमारा राजस्थान स्टेट है उसका एक पार्ट है और बहुत ही सुंदर सिटी है और हर किसी को ज़रूर जाना चाहिए। चलो आगे डिस्कवर करते हैं कि कैसे जाया जा सकता है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम इसमें जब हम ट्रिप प्लान करें तो क्या क्या ध्यान रख सकते हैं। अगर उदयपुर पहुंचने की बात की जाए तो हम ट्रेन से भी जा सकते हैं, फ्लाइट से भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं, और अगर आप पास में हैं और आपको ड्राइविंग का बहुत शौक है तो आप कार से भी जा सकते हैं। हम लोग ट्रेन से गए थे और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं ट्रेन में जा रही हूँ बहुत दिनों बाद। अगर हम वेदर की बात करें तो यहाँ पर सबसे बेस्ट सीज़न होता है रेनी सीज़न और विंटर सीज़न, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी गर्मी ज़्यादा होती है। तो रेनी सीज़न बहुत ही अच्छा सीज़न था और हम लोग रेनी सीज़न पर गए थे तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, बहुत अच्छा था। और विंटर सीज़न में भी यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। पहुँच तो गए हैं उदयपुर पर, जाएंगे कहाँ कहाँ, आपको और किसी को भी यही क्वेश्चन रहेगा। तो हम यहाँ पर काफ़ी चीज़ें घूम सकते हैं सिटी के अंदर ही, जो कि नियर बाय ही रहती है, जैसे कि सिटी पैलेस जो यहाँ का बहुत ही सुंदर पैलेस है, बगोरे की हवेली, अमराई घाट, सज्जनगढ़, और इसको मानसून पैलेस के नाम से भी जानते हैं, और बहुत ही सुंदर व्यू आता है यहाँ पर जाने के बाद, तो ज़रूर जाना चाहिए। बाहुबली हिल्स जो थोड़ा सा ही दूर है, और बाहुबली हिल्स और बड़ी लेक पास में ही पड़ते हैं, तो आप कोई भी राइड लेके जा सकते हैं, बहुत ही सुंदर जगह है। अगर आपको नेचुरल ब्यूटी बहुत पसंद है और नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है, लेक पिचोला जा सकते हैं और हल्दी घाटी भी जा सकते हैं। अगर आप मंदिर जाने में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर एक बहुत पुराना मंदिर है, एकलिंग जी का, जो शिव जी जी का मंदिर है, और एक श्रीनाथ जी का मंदिर है, आप वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। अगर हम लोकल कम्यूट की बात करें तो आपको स्कूटी रेंट पे मिल जाती है, आप कैब से भी राइड कर सकते हैं अगर आप फैमिली के साथ में आए, और ऑटो से भी सिंपली राइड कर सकते हैं, तो बहुत ही फिजिबल है, बहुत ईजी रहता है। अब मेन बात पे आते हैं, मेन मुद्दा यही है कि खर्चा कितना होगा। खर्चा और खाने पानी की बात करें हम, तो बेसिकली अगर हम लोग तो दो लोग गए थे तो रिकमेंडेड है कि आप दो से तीन, तीन से चार दिन रह सकते हैं, और एवरेज कॉस्ट जो आता है वो अच्छा, अगर आप रूम लेंगे तो 3K आ जाता है, 3K, और डिपेंड करता है 3K, तो मतलब आप बाकी अपने रिसर्च पर और लग्जरी पर डिपेंड करता है आप कितना भी हाई एंड पे जा सकते हैं। और एवरेज कॉस्ट आती है, अगर आप तीन बार मील खाते हैं तो 1.5 से 2 हज़ार में आप अच्छे उसमें खा सकते हैं खाना। अगर हम अपनी बात करें तो हम लोग एक हफ्ते के लिए गए थे और हमने हॉस्टल में स्टे किया था, बेसिकली हम वहाँ का एक्सपोजर लेना चाहते थे, देखना चाहते थे कि कैसे वहाँ पर लोग रहते हैं। हमने डिलक्स रूम लिया था तो हमारा प्राइवेट रूम ही था, बट क्योंकि हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे तो हमें एक अच्छा वाईफाई ज़रूरी था, तो हमने इसलिए वहाँ पर स्टे किया और हमारा स्टे बहुत ही अच्छा रहा। अगर मैं अपने पर्सनल व्यू की बात करूं, मुझे उदयपुर बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ माउंटेन, लेक्स, हिस्टोरिकल प्लेसेस, और बहुत ही नेचुरल ब्यूटी कहेंगे, बहुत ही सही था, बहुत सही सही व्यूज़ आ रहे थे, बहुत ही अच्छा मौसम था, बहुत ही सुंदर लग रहा था, लोग भी बहुत अच्छे हैं, शॉपिंग भी आप वहाँ कर सकते हैं, तो इंडीड इट्स अ गुड प्लेस एंड आई वुड लाइक टू गो अगैन।